नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो मौर्य वंश के शासक अशोक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, सम्राट अशोक के द्वारा आज विदेशों में बौद्ध धर्म का किया गया जो प्रचार प्रसार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मूल रूप से कि सम्राट अशोक के द्वारा किस तरीके से बौद्ध धर्म में योगदान देते हुए उसके प्रचार प्रसार में विदेशों तक जो बात की जाए, बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाता है। जिस तरीके से हमने देखा पीछे की क्लासों में पढ़ा कि महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित जो बौद्ध धर्म है उसको जो अगर बात की जाए तो सम्राट अशोक के द्वारा जो स्वीकार कर लिया जाता है और इसको राजकीय संरक्षण प्रदान किया जाता है। और सम्राट अशोक के समय जो बौद्ध धर्म में जो बात की जाए सर्वाधिक उन्नति हमें देखने को मिलती है। जैसा इसे राजकीय आश्रय प्राप्त होता है तो सम्राट अशोक के द्वारा भी हमने देखा कलिंग युद्ध के पश्चात जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया जाता है और 2.5 वर्षों के पश्चात जिस तरीके से बौद्ध धर्म के प्रति जो रुचि उसके द्वारा प्रकट की जाती है अगर बात की जाए सम्राट अशोक के द्वारा, जिससे और उसके प्रचार प्रसार को लेकर भी बौद्ध धर्म के जो खूब रुचि उसके द्वारा प्रकट की जाती है, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पहले तो भारत की सीमाओं तक ही सीमित था, लेकिन अब पहली बार सम्राट अशोक के समय जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत की सीमाओं से बाहर विदेशों तक होने लगा और सम्राट अशोक के द्वारा यह निश्चय किया गया। जैसा कि हमने देखा कि तृतीय बौद्ध संगीति होती है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो पाटलिपुत्र में करवाया जाता है अगर बात की जाए, इसका जो अध्यक्ष कौन होता है, मोगलिपुत्तिस होता है, सम्राट अशोक के समय होती है 251 ईस्वी पूर्व। लगभग ये लगभग कब होती तृतीय बौद्ध संगीति, 251 ईस्वी पूर्व होती, पाटलिपुत्र में आयोजित होती है अगर बात की जाए, तो मोगलिपुत्तिस इसका अध्यक्ष होता है। अब इस बौद्ध संगीति के पश्चात जो मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया, जिसका हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया बौद्ध धर्म में संबंधित सिद्धांतों से, अब उसके अलावा जो बौद्ध धर्म में आए हुए जो दोषों का निवारण कर लिया जाता है, उसके पश्चात ये निश्चय किया जाता है तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात कि अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ भारत की सीमित न रहकर विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का निश्चय इनके द्वारा किया जाता है। सम्राट अशोक और जो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा ये बात निश्चित की जाती है कि जिन जगहों तक अभी तक बौद्ध धर्म का जो अस्तित्व नहीं है और जहाँ तक बौद्ध धर्म नहीं पहुँच पाया है, उन जगहों पर जो इनके द्वारा जो बौद्ध भिक्षुओं को भेजने का निश्चय लिया किया जाता है और वहाँ जाकर वहाँ के लोगों को जो बौद्ध धर्म से अवगत करवाने का और बौद्ध धर्म में जो दीक्षित करने का जो इनके द्वारा निश्चय किया जाता है, जिसके तहत सम्राट अशोक के द्वारा कई क्षेत्रों में जो भारत से बाहर है कई क्षेत्रों में वहाँ पर क्या किया जाता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो भिक्षुओं को भेजा जाता है। अब विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु हमें जो कई साहित्य की जानकारियाँ भी प्राप्त होती है, कई अभिलेखीय जानकारियाँ प्राप्त होती है, अभिलेखीय जैसे शिलालेखों पे कुछ लिखा हुआ है, स्तंभ लेख पे लिखा हुआ है, गुहालेखों पे, तो इनसे हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक के द्वारा जब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में भी बौद्ध भिक्षुओं को भेजा जाता है। अब ये भारत की सीमित न रहकर जो विदेशों तक जो इसका प्रचार प्रसार, और वर्तमान समय में आप देख सकते हो इसका उदाहरण कि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो बात की जाए दुनिया के कई देशों में माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति भारत से होती है। यहाँ भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी आपको कम मिलेंगे, लेकिन विदेशों में आप देखोगे खूब सारे मिलेंगे। अगर बात की जाए चाहे श्रीलंका की तरफ देख लो, चाहे कोरिया की तरफ, चाइना की तरफ देख लो, आप जापान की तरफ देख लो, तो इस बौद्ध धर्म के खूब सारे अनुयायी मिलेंगे हमें। ये जो बात है जो ये किसके प्रयास से संभव हो पाया, सम्राट अशोक के द्वारा उस समय किए गए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से ही संभव हो पाया। तो कई विभिन्न जानकारियों और अभिलेखों से ये बात स्पष्ट हो जाती है, इसकी पुष्टि होती है कि सम्राट अशोक के द्वारा जो विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु जो अपने भिक्षुओं को भेजा गया था, ये चूंकि आपको ये भी पता होगा कि संघमित्रा और महेंद्र जो अपने पुत्र को भी ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजता है। अब जो ये इस बात का उल्लेख हमें मिलता है दूसरे और 13वां जो शिलालेख है, जो इसके 14 शिलालेख अपने को मिलते हैं, मूल तो पहले 13 बता देते, अब एक शिलालेख और मिला है, उन 14 शिलालेखों से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उनमें ये उल्लेख मिलता है हमें
जिसमें मुख्यतः दूसरे और तीसरे शिलालेख से ये बात स्पष्ट होती है कि सम्राट अशोक के द्वारा जो विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भिक्षुओं को भेजा गया उसका उल्लेख मिलता है। दूसरे शिलालेख में जो सम्राट अशोक के पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है, पांच राज्यों का हमें उल्लेख मिलता है, जिसके तहत अगर बात की जाए तो चोल राज्य, चोल पांड्य जो दक्षिण भारत में स्थित है, आपको पता होगा चोल और पांड्य राज्य जो हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास अगर पढ़ेंगे उसी दौरान, तो ये सत्युपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपाणी, लंका की तरफ, ये जो पाँच पड़ोसी राज्य, इनमें जो सम्राट अशोक के द्वारा अपने जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भिक्षुओं को भेजा जाता है। अब महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है, अगर बात की जाए महावंश और दीपवंश जो सीएनली अनुसूति भी जिसे कहा जाता है, तो उसमें धर्म प्रचारकों की सूची दी गई है कि कौन कौन से धर्म प्रचारकों को सम्राट अशोक के द्वारा भेजा गया और कौन कौन से स्थानों पर भेजा गया, उसका उल्लेख दिया गया महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें हमें मिलता है। इसके अनुसार कौन कौन से जो धर्म प्रचारकों भेजे, धर्म प्रचारकों की सूची में रक्षित, महारक्षित, धर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित, महादेव, मध्यम, मध्यंतिक, सौंतता, उत्तर और महेंद्र तथा संगत्र, ये जो भेजे गए धर्म प्रचारक हैं उनका नाम है। अब कौन कौन से स्थानों पर इन्हें भेजा जाता है, तो बात की जाए रक्षित को भेजा गया वनवासी जो कन्नड़ का क्षेत्र है, संभवतः दक्षिण भारत का ही क्षेत्र है, रक्षित को उस क्षेत्र में भेजा गया बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार हेतु, ताकि ये वहाँ की जनता को जाकर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराए, उनको बताए, बौद्ध धर्म के उपदेश, बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश दे, तो ऐसे भिक्षुओं को भेजा जाता है, जिसमें रक्षित का नाम आता है, तो रक्षित को बनवासी कन्नड़ की तरफ भेजा जाता है, और महारक्षित को यवन देश, यवन देश किसे कहा जाता है, यवन देश, यवन प्रिया, काली मिर्च को कहा जाता है, यानी यूरोपीय जो लोग हैं उनको यवन देश, यूरोपीय क्षेत्रों को, पहले आप देखोगे सिकंदर के समय जो सीरिया का क्षेत्र है यहाँ तक क्या है, यहाँ पे जो यवनों का ही अधिकार था, तो महारक्षित को यवन देश में भेजा जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, और उसके अलावा धर्म रक्षित को अप्रांत कोंकण प्रदेश है, ये दक्षिण भारत की तरफ है, अगर बात कोंकण ये महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है वहाँ भेजा जाता है धर्म रक्षित को, महाधर्मिक रक्षित को महाराष्ट्र के क्षेत्र में भेजा जाता है। इन क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान तो नहीं की जा सकती, लेकिन संभवतः ये उसी क्षेत्रों के आधार पर जो इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगे, महादेव को भेज दिया जाता है महिष मंडल क्षेत्र में, महिष मंडल जो क्षेत्र है उधर भेजा जाता है, और मध्यम को हिमालय प्रदेश जो हिमालय की तरह जहाँ तिब्बत का क्षेत्र है और उधर की तरफ भेजा जाता है, मध्यम को भेजा जाता है, मजंतिक को भेजा जाता है कश्मीर व कांधार, कश्मीर का वर्तमान का क्षेत्र है और वहाँ भेजा जाता है कई इतिहासकारों के द्वारा, तो सम्राट अशोक को कश्मीर विजय का भी श्रेय दिया जाता है। तो ये कांधार की तरफ, यानी जो कांधार की बात की, अफगानिस्तान की तरफ वर्तमान समय तुम देखोगे तालिबान के जो लड़ाकू लोग हैं जो आतंकवादी, उनके द्वारा जो बौद्ध धर्म की कई मूर्तियों को, जो कई मूर्ति स्टैचू अपने को अभी भी मिलते हैं, बात की जाए कहाँ पे, अफगानिस्तान में मिलते हैं, पाकिस्तान में मिलते हैं, तो वहाँ पे देखने को मिलता है उनके द्वारा नुकसान पहुँचाया गया है तालिबानों के द्वारा, तो वहाँ तक उस समय तक अगर बात की जाए भारत का ही वो क्षेत्र था, वहाँ तक भी जो इनके द्वारा जो धर्म प्रचार प्रसार हेतु भेजा गया है, मजंती को कश्मीर व कंधार, सोन तथा उत्तर को भेजा गया स्वर्ण भूमि, ये स्वर्ण भूमि कहाँ तक थी, स्वर्ण भूमि की अगर बात की जाए, स्वर्ण भूमि किसे कहते हैं, जावो, जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा, ये दक्षिण एशियाई देश है ना म्यांमार की तरफ इधर, तो इन देशों में भी सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने जो धर्म प्रचारकों को भेजा था, और इससे ये फायदा भी अपने को होता है कि भारतीय संस्कृति का विदेशों तक जो क्या होता है प्रसार भी होता है, जैसे हम देखते हैं भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, तो भारतीय संस्कृति से कुछ मिलती जुलती चीज़ें हमें दक्षिण एशियाई देशों में, दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी देखने मिलती है, इससे जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ भारतीय संस्कृति का भी जो आदान प्रदान हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो अपने पुत्र महेंद्र और जो संगमित्रा पुत्री है, इन दोनों को लंका भेज दिया जाता है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए इनको भेजा जाता है। हम देखेंगे कि उस वक्त जो शासक होता है तिस्से नाम का, जो तिस्से जो श्रीलंका का शासक होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, बौद्ध धर्म को अपना लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, और उसके द्वारा जो देवानाम प्रिय
जो बात की जाए सम्राट अशोक के द्वारा जो उपाधि धारण की जाती वही उपाधि उसके द्वारा धारण की जाती है, देवानाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय, ये उपाधि धारण की जाती है किसके द्वारा, श्रीलंका के शासक के द्वारा। और कई विभिन्न जो साहित्य ग्रंथ हो ये बात हमने की, अभिलेखों से हमें जो इसकी पुष्टि होती है, जानकारी मिलती है विदेशों में जो अशोक के द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार, मूलतः बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया जाता है। अब बात की जाए अशोक ने जो विदेशों में धर्म प्रचार के साथ साथ जो हितकारी लोक हितकारी और परोपकार के कार्य भी किए, परोपकारी के कार्यों की अगर बात की, दूसरे शिलालेख में हमने देखा था किस तरीके से उसके द्वारा वटवृक्ष लगाए, जगह जगह कुएँ खुदवाए जाते और धर्मशालाएं बनवाई जाती है। उसने कहा मैंने दोपायों चौपायों के लिए उपकार किया है और उसके अलावा जो पक्षी पशुओं के लिए मैंने परोपकार कार्य किए, ये सम्राट अशोक के अभिलेखों से उल्लेख हमें मिलता है। तो ये जो कई चिकित्सालय उसके द्वारा पशुओं के लिए खुलवाए जाते हैं, कई संस्थाएं खुलवाई जाती है और इसी से क्या होता है कि भारतीय संस्कृति का जो ये विदेशों के संपर्क में आती है, विदेशों के संपर्क में आने से भारतीय संस्कृति का बात की जाए कल्चर का भी खूब प्रचार प्रसार होता है। सम्राट अशोक के द्वारा किए गए अथक प्रयासों से ही बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म का रूप प्रदान कर दिया जाता है सम्राट अशोक के द्वारा। तो विद्यार्थियों आज हमने सम्राट अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की कड़ी में बात की जाए तो विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाने के लिए जिस तरीके के कार्य किए गए, जिस तरीके के प्रयास किए गए उनका अध्ययन किया, जिसके तहत उसके द्वारा हमने देखा विभिन्न साहित्य के जो स्रोतों अभिलेखों से इस बात की पुष्टि होती है कि सम्राट अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बौद्ध भिक्षुओं को भेजा और धर्म प्रचारकों को भेजा ताकि वहाँ के लोगों को भी बौद्ध धर्म से क्या करवाया जा सके, अवगत करवाया जा सके और उनको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दी किया जा सके। हमने देखा कितने उत्साहपूर्वक जो सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसी कड़ी में जैसे ही तृतीय बौद्ध संगीति होती है उसी के पश्चात ये निर्णय लिया जाता है कि जिन क्षेत्रों में अभी तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है उन क्षेत्रों में इन धर्म प्रचारकों को भेजा जाएगा। उसी सूची में बात की जाए तो रक्षित महारक्षित धर्म रक्षित महाधर्म रक्षित महादेव मझिम मजंतिक सौन तथा उत्तर महेंद्र व संघमित्र, इन सभी को क्या किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु भेजा जाता है, यानी विदेशी क्षेत्रों में जो मौर्य साम्राज्य के पड़ोसी राज्य हैं उनमें भेजा जाता है। और इसी का परिणाम ये निकलता है कि वर्तमान समय में बौद्ध धर्म को जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म की ख्याति प्राप्त है वो सम्राट अशोक के द्वारा उस समय किए गए प्रयासों का ही परिणाम है। क्योंकि जैसे ही बौद्ध धर्म को राजकीय आश्रय प्राप्त हो जाता है तो इससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी तीव्र गति से और तेज गति से होता है और सम्राट अशोक ने इसे वाकई में अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। सम्राट अशोक के समय जो हमने देखा कि किस तरीके से श्रीलंका के शासक तिस द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की जाती है। तो बोलिए यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और आप जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से अपनी बात को पहुंचा सकते हो। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी समस्या हो तो निसंकोच पूछ सकते हो, आपकी राय और सुझाव भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।